हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और देखिए, आज हम स्ट्रेट करेंगे बालों को, परमानेंट स्ट्रेट। तो इसके लिए मैंने ये देखे मैट्रिक्स के ये स्ट्रेटनर लिया है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस है, ये देख सकते हैं आप। ये स्टेप वन है और इसके साथ तू गिर जा। और देखिए, इसके साथ ये न्यूटिलाइजर लगता है, ये बालों को फिक्स कर देता है। जब हम इसको लगाएंगे तो इसके बाद ये लगाना ज़रूर होता है, इसी से बाल हमारे फिक्स होंगे। और इस पर न्यूटिलाइजर ही लिखा होता है, देखिए लिखा हुआ आगे। और ये दो नंबर क्रीम है, तो सबसे पहले ये वाली क्रीम लगेगी, उसके बाद ये वाली क्रीम लगेगी। और इस क्रीम को लगाने से पहले गाइस, हम बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे किसी अच्छे शैम्पू से। तो हमने बालों को वॉश कर लिया है, और ये देखिए मैंने, ये फिलिप्स का स्ट्रेटनर है। तो अच्छा सा कोई स्ट्रेटनर लेके अच्छी तरह से हम सारे बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े पोर्शन पकड़ते जाएंगे। और ये मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया है इस तरह से। तो भाई, सारे बालों को स्ट्रेट कर लिया है। इसके बाद हम क्रीम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो क्रीम के लिए देखिए, हम ले लेंगे एक प्लास्टिक की कोई भी बॉल, ये कांच का बॉल या प्लास्टिक का बॉल लेंगे, स्टील का या सिल्वर का नहीं लेंगे। तो गाइस, ये देखिए हम बाउल ले लेंगे, मैंने प्लास्टिक का बाउल ले लिया है। और इसमें हम एक नंबर क्रीम डालेंगे, एक नंबर क्रीम है, इसको डालेंगे सबसे पहले। तो गाइस, ये क्रीम हमारे ये लंबे जो बाल हैं इतने, इसमें पूरी क्रीम लग जाएगी। 125 ml की क्रीम आती है ये, और रूट को छोड़ते हुए लगाएंगे इसको। कई बार स्कैल्प में खुजली वगैरह, खारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा रूट को छोड़ते हुए लगाएंगे। इसको पूरा ले लेंगे। तो गाइस, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम, और इस तरह से रूट को छोड़ते हुए। पहले ब्रश की सहायता से लगाएंगे और फिर हम कॉम से इसको बराबर कर लेंगे इस तरह से, और उंगलियों की सहायता से पूरे बालों में हम इसको इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे क्रीम को। और ये देखिए, इसी तरह से हम सारे बालों में इसको लगा लेंगे। और इसमें हम ग्लव्स भी डाल सकते हैं, और हाथों पे अगर आपको लगता है कि नुकसान कर देगा तो आप ग्लव्स डाल सकते हैं। तो मैं इसको बिना ग्लव्स डाले भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे स्किन पर ये कोई असर नहीं करता है। तो गाइस, आप ग्लव्स डाल के कर लें। तो गाइस, ये देखिए एक बार होने के बाद हम इनको फिर से सीधा कर देंगे इस तरह से, ये सूखने नहीं देना।
थोड़े बाल लेकर हमें क्रीम लगानी है और अच्छी तरह से रमा लेंगे इसको अंदर तक, पूरे बालों में लग जाने चाहिए, नीचे की तरफ भी। ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम हाथों से करेंगे, और कंघी को आगे पीछे ले जाते हुए अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से, और लास्ट में हम ये इस तरह से सीधा कर देंगे बालों को। तो गाइस इसी तरह से हम पूरे बालों में लगा लेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बीच में कट कर देती हूँ। तो गाइस मैंने ये एक नंबर क्रीम सारी लगा दी है, रेजिस्टेंस क्रीम। और अब ये देखिए मैं फिर से स्ट्रेट कर दूंगी बालों को एक बार कॉम से, और सूखने के बाद कॉम नहीं करनी होती, अभी गीले बाल हैं, फटाफट फटाफट लगाई थी क्रीम। तो इसको मैं 1 घंटे तक रखूंगी इसी तरह से, उसके बाद हम इसको शैम्पू करेंगे। तो भाई अब मैंने क्रीम लगा दी है और अब 1 घंटे तक इसको सुखाएंगे, उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। तो मिलते हैं फिर बाद में। ओके गाइस, हेलो गाइस। तो ये देखिए पहली क्रीम हमने जो लगाई थी उसको हमने बालों को 1 घंटे लगाने के बाद वॉश कर लिए थे, और अच्छी तरह से 80% तक सुखाने होते हैं बाल, और 1 घंटे क्रीम को रखने के बाद इसको वॉश कर लिया था। और किसी भी शैम्पू वगैरह से वॉश नहीं करेंगे, सिंपल पानी से वॉश किया है। तो गाइस अब हम फिर से इनको आयरन रोड से स्ट्रेट करेंगे बालों को। और गाइस ये देखिए पहली क्रीम लगाने के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, एकदम स्ट्रेट बाल हो गए हैं। ये जो हमने क्रीम लगाई है वो जो सेकंड क्रीम है इस क्रीम को फिक्स कर देगी, तो इसलिए लगाते हैं। तो गाइस अब ये सबसे पहले हम ये देखिए स्ट्रेटनर से इस बालों को सीधा करेंगे। एकदम बारीकी से हम अच्छी तरह से टाइम लगाकर और बालों को स्ट्रेट करेंगे, थोड़े थोड़े बाल लेंगे। तो गाइस इसी तरह से सारे बालों को स्ट्रेट कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं बीच में कट कर देती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ फिर। ओके गाइस, हाँ। तो गाइस ये देखिए मैंने स्ट्रेट कर दिए हैं बाल रोड से, और एक इनको एकदम स्ट्रेट करने के बाद ही हम ये लगाएंगे, ये सेकंड वाली क्रीम है न्यूट्रलाइजर, तो इसको लगाएंगे, पूरी क्रीम लगा देंगे। इसी तरह से लगाते जाएंगे पूरे में, जैसे पहले लगाई थी सेम वैसी प्रोसेस है इस क्रीम की भी। कंघे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, उंगलियों से, इस तरह से पूरे बालों में, और ये देखिए सीधा करके छोड़ देंगे। तो गाइस इसी तरह से हम पूरे बालों में क्रीम लगा लेंगे, और वीडियो को मैं बंद कर देती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए सेकेंड क्रीम भी मैंने पूरे बालों में लगा दी है, और इसको अब हम 1/2 घंटे तो रखेंगे, 1/2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 40 मिनट तक, 1/2 से 1 घंटे के बीच में रखेंगे, उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। ओके गाइस फिर मिलते हैं बाद में।
तो गाइस सेकंड क्रीम लगाने के बाद भी ये देखिए वॉश कर लिए हैं बाल, और इनको हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्लो ड्रायर करेंगे। तो गाइस जी ये देखिए ये है फाइनल लुक, और ये देखिए कितने अच्छे बाल हो गए हैं, और ये देखिए कितने शाइनिंग बाल हैं। तो गाइस ये देखिए मतलब जो डैमेज बाल थे वो सारे निकल चुके हैं, और एकदम शाइनी और सॉफ्ट बाल हो गए हैं, और एकदम स्मूथ हो गए हैं, स्ट्रेट हो गए हैं। तो गाइस बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं स्ट्रेट करवाने से, और इसी तरह से आप भी अपने घर पर कर सकते हैं जैसे मैंने तरीका बताया। तो गाइज ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊंगी, और ये देखिए सॉफ्ट बाल कितने हो गए हैं, एकदम सिल्की और स्मूथ बाल। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, बाय बाय।